सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। आई होप जो आप लोगों ने पीछे की रेमेडीज देखी हैं, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और वो रेमेडी है हमारे वाइट हेयर्स के लिए। तो ये चीज़ मैंने घर में भी यार स्टार्ट करवा दी है, और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेमेडी है एंड बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेमेडी है। तो यार आज के टाइम में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और बड़े हैं 30-25 एज के, सबके सर के बाल जो है सफ़ेद होने लग गए हैं बहुत कम उम्र में, ठीक है। फिर लोग तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, उनके पीछे भागते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि होम रेमेडी हमेशा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जिनके अभी स्टार्ट हुए हैं आप यूज़ करो, वो बहुत हेल्प करेगी, और 40 इयर्स की एज तक के लोगों के लिए तो ये बेस्ट रिजल्ट देती है। मतलब 40 इयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, तिल का तेल लेना है आपको 1 लीटर। आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए कि तिल का तेल लेना है आपको 1 लीटर। एक कढ़ाई में आप उसे ले लो, बहुत ही कम आंच पे, और जिनके घर में चूल्हा है या जो जैसे आग जलाते हैं आप चूल्हे पे यूज कर लीजिए, जिनके नहीं है वो गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में 1 लीटर तेल लेके उसके उबलने का वेट करो। जब वो उबल के उसमें झाग बननी शुरू हो जाए तो उसकी धीमी आंच करके एक कटोरी में आप 1.5 नींबू का रस निकाल के रख लीजिए। बिल्कुल फ्रेश रस निकालना है, ठीक है। 1.5 नींबू का रस मतलब लगभग आप मान के चलो कि नींबू, कोई बोलेगा मैम साइज इतना बड़ा होता है, कोई इतना सा होता है, कितना होता है, तो आइडियली 2 चम्मच, ठीक है। वो 2 चम्मच जो है आपने रस उसमें डालना है, लेकिन खुद दूर हट जाना है क्योंकि यार वो एकदम से छींटे देगा। उसके बाद उसकी झाग जो है वो और ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, और उसको हिलाते रहिए हिलाते रहिए हिलाते रहिए। जैसे ही वो उफान जो है शांत हो जाए, वो झाग शांत हो जाए, गैस को बंद कर दीजिए। जो भी उसमें इम्प्योरिटीज ऊपर आई होंगी उसको आप छान के साइड में करके ऑयल को अलग करके रख लीजिए। अगले दिन सुबह ना फिर से आपको ये चीज करनी है कि 24 घंटे के बाद सेम प्रोसेस आपको करना है। नींबू नहीं डालना है, तेल को गर्म करना है, बॉयल हो अच्छे से, झाग आ जाए उसमें, उसके बाद उसको फिर से छान के रख लीजिए। और तीसरे दिन सेम प्रक्रिया करनी है, यानी पहले दिन 1 लीटर तेल लिया, उसमें 1.5 नींबू यानी कि 2 चम्मच के अप्रोक्स नींबू का रस डाला, उफान आने दिया, अच्छे से झाग बनने दी। जब वो बन गया उसको छान के रख लीजिए। अगले दिन उसी तेल को आपको गर्म करना है, और तीसरे दिन भी, यानी 3 दिन तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। पहले दिन नींबू डालना है, दूसरे दिन नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल को गर्म करना है। तीसरे दिन उसके बाद जो ऑयल बच गया आप उसको छान के कांच के एक जार में रख लीजिए। कितने भी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक्सपायरी नहीं है। फिंगर टिप्स के साथ जस्ट अपने हेयर में मसाज करना है। जिन लोगों के अभी शुरुआती दौर में है, बाल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके जो है ये बहुत हेल्प करना शुरू करेंगे। और यार ये रेमेडी आजमाई हुई रेमेडी है, ठीक है, और ये उन लोगों की रेमेडीज मैं बताती हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है किसी किसी से उन्होंने कि यार ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी थी और आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, अभी जिनके ऑलरेडी वाइट हो चुके हैं आप लोग जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और केश जो है ना वो हमारा मल होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो धातु का मल है उसको क्योर करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो रिकवर नहीं होते। तो उसके लिए जैसे मैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देती हूँ जिनके सफेद बाल हो चुके हैं, बच्चे हैं उसमें, यंग एज के हैं, टीनएजर्स हैं, तो 6 महीने में बिल्कुल ब्लैकनिंग हो रही है उनकी, 70% तक रिकवर हो रहे हैं, किसी को 7 महीने लगते हैं, किसी के 4 महीने में ही हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट भी जरूरी है बीमारी पे काम करने के लिए, और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ तो आप होम रेमेडीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दो ताकि वो सपोर्ट मिलता रहे कि दोबारा आपको वो दिक्कत ना हो। तो आई होप यार कि आप इस रेमेडी को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे, अपने रिव्यू शेयर करोगे 1-1 मंथ यूज करके, आप लोग बताना इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आके। और यार आप लोग वीडियो देख रहे हो, एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पॉज करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लोगों के यार मैसेज आ रहे कि मैम 1 वीक हुआ है या 4 दिन हुए हैं, तो मतलब वो बहुत अच्छा हमें इफेक्ट हो रहा है।
तो यानी कि हर रेमेडी आजमाई हुई 100% इफेक्टिव है। आप लोग स्टार्ट करिए बच्चों पे, 40 इयर्स की एज तक ये वैलिड रहेगी। तो सब्सक्राइब, लाइक, और इस वीडियो का यार हम टारगेट लेके चलेंगे कि 2000 लाइक हमें इस वीडियो पे लेके आने हैं एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह का आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, फेस कर रहे हैं, होम रेमेडीज से थक चुके हैं, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।